टुडेज टॉपिक क्लियर है इफ्यूजन, यानी ब्लड में जो विसरल पेरिकल एंड विसरल मिलूरा है उसके अंदर जो प्रेजेंट है फ्लूड है उसका इकट्ठा होना उसको कहते हैं क्लियर इफ्यूजन। डेफिनेशन सॉरी जल्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुख्यतः ये कॉमन ऑफ जो फाइव ईयर्स जो ओल्ड चिल्ड्रेंस होते हैं, यानी फाइव ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको ही इफेक्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड इफ्यूजन, फ्लूइड इफ्यूजन लंग्स के अंदर जो प्लीरा एरिया है इसमें पेरिटल एंड विसरल के बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको कहते हैं फ्लूइड इफ्यूजन। दैट इज फ्लूइड इफ्यूजन इज डिफाइंड एज एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन फ्लूइड, यानी एक असामान्य फ्लूइड का इकट्ठा होना जो प्लीरल कैविटी या एग्जांपल पेरिटल एंड प्लीरल मिश्रण प्लीरा, दैट इज डिफाइंड ऑफ फ्लूइड इफ्यूजन। Then other definition of pleural effusion, first of paraimmunic effusion, second loculated effusion, third subpulmonic effusion। First है paraimmunic effusion, जो pleural effusion होता है वो associated होता है bacterial pneumonia जैसे कि कारण से bronchiectasis and lung abscess के कारण, यानी जो pleural effusion इकट्ठा हुआ है वह bacterial infection या lung abscess या bronchiectasis के कारण से जो डेवलप होती है कंडीशन उसको कहते हैं पैरानिकल इफ्यूजन। दूसरा जो फ्लूइड होता है लोकलेटेड इफ्यूजन, ये जो फ्लूइड इफ्यूजन है या जो फ्लूइड है जो इकट्ठा होता है कंफर्म बाय ये फ्रीली फ्लूइड होता है, इसमें एडिशंस भी इंक्लूड होते हैं इसको कहते हैं लोकलेटेड इफ्यूजन। थर्ड होता है सब पुलमोनिक इफ्यूजन, ये जो फ्लूइड है वो लंग्स और डायफ्राम बीच में फ्लूइड इकट्ठा होता है जिसमें कहते हैं सब पुलमोनिक। देन फास्ट इन्फ्लेशन ऑन ए इन्वेटेड हैवी डायफ्राम। देन अदर डेफिनेशन ऑफ इफ्यूजन, पैरान्यूमेनिक इफ्यूजन्स, लोकोलेटेड इफ्यूजन्स एंड सब पुलमोनिक इफ्यूजन्स। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इफ्यूजन, फर्स्ट है बेस्ट ऑफ साइट, सेकेंड है बेस्ट ऑन मैकेनिज्म एंड फ्यूरल फ्लूइड, थर्ड है फ्यूरिज्म टाइप बेस्ट ऑन मैकेनिज्म एंड प्लेयर फ्लूइड टाइप एंड। तो इस आधार पे ये क्लासिफाई किया गया है क्लासिफिकेशन को कि ये बेस्ट ऑन साइड, बेस्ट ऑन साइड जैसे कि एपिकल है या इंट्रा लोबुलर है या सब पुलमोनिक है या मीडियेशन साइड है, इसके कारण से हम ये असेस कर सकते हैं कि कौन साइड के अकॉर्डिंग हमें जो है जो प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है बेस्ट ऑन मैकेनिज्म एंड प्लूरल फ्लूइड टाइप, कौन सा टाइप का फ्लूइड है, ट्रांसडिटिव है या काइमस है ये एक्सुएटेटिव फ्लूइड है। थर्ड है बेस्ट ऑन मैकेनिज्म एंड
टाइप्स ऑफ फॉर्म कौन कौन सी है, जैसे कि पायोजेनिक है, काइलोस है, हीमोथेरेक्स है, स्यूडोकाइलोस है, या हाइड्रोथोरेक्स है, या यूरोनोथोरेक्स है। तो ये फॉर्म्स हो गई फ्लूइड डिफ्यूजन की। अब लेते हैं हम इसमें इटियोलॉजी ऑफ पीरियोडिक डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्टिव जो कारण होते हैं इन्फेक्टिव में कॉज है, जो जैसे निमोनिया है या लंग एब्सेस है, या ब्रोंकाइटिस है, पेनिनाइटिस है। ये सभी इन्फेक्टेड कंडीशन है जो कि फिल्यूरी इन्फेक्शन को डेवलप करती है, जिसके कारण से ये डेवलप होता है। एक्स्ट्रा कोलेजन कोलेजन रेस्पिरेटरी, जैसे कि कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, जैसे एच थ्री सिस्टमेटिक लोपस एरिथ्रोमेटस, देन रोमेटिक अर्थराइटिस, देन अर्थराइटिस जैसे कि पायरो अर्थराइटिस, दूसरा थर्ड इज न्यूप्लास्टिक डिजीज, जैसे कि ल्यूकेमियास है या ल्यूकोमस है, ल्यूकेमिया है। ड्रग्स के कारण से भी ये प्रोग्रेसिव होता है, जैसे ड्रग्स में प्रोमोक्रिप्टिव ड्रग्स में प्रोमोक्रिप्टिव जो ड्रग्स है जिसके साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन इम्प्रूव होता है या बनता है। नेक्स्ट है इसमें जैसे पोस्ट रेडिएशन से या कोई ट्रोमा है ट्रोमेटिक के कारण भी पेनिसिलिन करेक्ट होता है। देन लेते हैं नेक्स्ट कोज में कि जो पेनिसिलिन है वह किस टाइप के अकॉर्डिंग कोज कौन कौन से, जैसे अगर ट्रांसलेटिव है तो ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू व्यू, यानी जो इफ्यूजन है उसके अकॉर्डिंग टू कोज क्या होते हैं। जैसे ट्रांसलेटिव अगर इफ्यूजन है तो उसमें रीजनल कोज होते हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या कार्डिक जैसे सीसीएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डिक फेलियर, हेपेटिक कोज जैसे कि हेपेटिक फेलियर, न्यूट्रिशन जैसे कि पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड हाइपोथायरायडिज्म। देन नेक्स्ट है कायलस जैसे कि अगर ये है तो ट्रोमा के ट्रोमा थोड़ी सी डक या ट्यूमर है किसी प्रकार की, या ट्यूबरक्लोसिस है, या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। देन ह्यूमोथोरेक्स जैसे कि मेडिसन है तो चेस्ट वॉल इंजरीज है, या ब्लीडिंग किसी प्रकार की डिसऑर्डर है, या न्यूप्लाज जैसे कि न्यूमोकस है, लिम्फोमा है, या ड्रग्स जैसे एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स है, देन पल्मोनरी इंफार्क्शन। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ है स्यूडोकाइलोस जैसे कि रूमेटिक अर्थराइटिस या ट्यूबरक्लोसिस, देन लास्ट है हाइड्रोथोरेक्स, देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटिक एंड रीनल फेलियर। दिस कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू इफ्यूजन दैट कॉज। फर्स्ट ट्रांसलेटिव कार्डियस हीमोथोरेक्स स्यूडो कार्डियस हाइड्रोथोरेक्स। देन नेक्स्ट है पहला है एसिम्प्टोमैटिक सिम्टम, थर्ड जैसे कि कफ इसमिया, देन पेन पेन होगा क्योंकि
साइट्स कलेक्ट है वहाँ वह साइट काफ़ी पेनफुल होती है जो पिलर विजन को लीड करती है। देन एबोमिक पुलमोनरी आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ये सिम्टम्स हैं जो कि पिलर विजन की रिपोर्टिंग हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम जैसे कि पल्पेशन है, ऑस्कल्टेशन है, ऑस्कल्टेशन है या कंडीशन डिटेक्शन द्वारा हम एसेस कर सकते हैं पिलोरिफिकेशन को। देन नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। देन एक्सरे एंड सीटी, एस्पिरेशन करते हैं, एस्पिरेशन रूट को निकाल के उसका कल्चर के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं कि जो पिलोरिफिकेशन है वो किस टाइप का है। देन अगर इंडिकेट कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस को तो एएफटी एक एसिड पास एसिड पास स्पेशलाइज जो निश्चित समय वो करवाते हैं। नेक्स्ट अगर एग्नोस्टिक है बीटा पीसीआर, अगर रूमेटिक है यानी सस्पेक्टिंग रूमेटिक आ रहा है तब पिलोरी आरएफ लो ग्लोसोल सस्पेक्ट एसएलटी अगर है तो सीरम कंपोनेंट पिलोरी आईएनए एंड एलिसेंस। देन नेक्स्ट स्टेज में अगर सस्पेक्टेड निमोनिया है तो पीएच इन्वेस्टिगेट कराते हैं। अगर देन सभी कंडीशन होने के बाद भी हम इसमें ब्लड बायोप्सी भी एक इन्वेस्टिगेशन तौर पर या डायग्नोस्टिक तौर पर करनी पड़ती है काफ़ी सीवियर कंडीशन में। अब मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट में है मैनेजमेंट में पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि ऑटो अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिस्टेंस कंडीशन है तो ऑटो को हम चालू करेंगे सपोर्टिव फ्लूड थेरेपी। और देन आई वी एंटीबायोटिक जैसे एंटीबायोटिक्स में सेफ्रोलोन है, सेफोटेक्सिन है, क्लिंडामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग्स हैं वे प्रोवाइड करते हैं इस नॉर्मल कंडीशन। देन एंड एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स। देन निमोनिया कंडीशन है तो सेफ्रोक्सिन, कोअमोक्सिलिन, पेनिसिलिन, देन क्लिंडामाइसिन। अगर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया कंडीशन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। देन सर्जिकल भी मेथड्स में प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि प्यूरिफिकेशन है काफ़ी मात्रा में कलेक्ट होता है तब हमें एस्पिरेशन सर्जिकल एस्पिरेशन यानी एस्पिरेशन करते हैं उसमें जो ब्रीथिंग साइड के अकॉर्डिंग हमें सर्जिकल के डिजिट को इंजेक्ट करके या जो एस्ट्रोमीटर होती है उसको इंजेक्ट करके थ्री वे कैनुला के द्वारा हमें सभी ब्लड कॉन्टेंट को एस्पिरेट करना पड़ता है। देन इसका नेक्स्ट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट में प्रोकोस्कोपी, सॉरी ड्रेनेज या प्रोकोस्कोपी ड्रेनेज करते हैं क्योंकि जो फ्लूड कलेक्ट हो रखा है वह काफ़ी मात्रा में होता है तो उसको ड्रेन करने के लिए हमें ड्रेनेज ट्यूब से एक सर्जरी मेथड प्रोवाइड की जाती है जिस साइड के अकॉर्डिंग हमें एक ड्रेनेज ट्यूब सर्जरी मेथड के अकॉर्डिंग डालते हैं ताकि जो भी फ्लूड में कलेक्ट हो रखा है वह उस ड्रेन के द्वारा आसानी से बाहर आ सके। देन इसी के साथ इनकी कोशिश हुआ है आपका फ्लूड विजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।